नमस्कार साथियों, कैसे हो? उम्मीद करता हूँ बहुत बढ़िया होंगे। दोस्तों स्वागत है आपका आपके ही अपने YouTube चैनल पर। दोस्तों हम आपके लिए जीके काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन लेकर आए हैं, जो कि राजस्थान पुलिस हाई कोर्ट पटवारी जो ऑल एग्जाम है, जो राजस्थान के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। दोस्तों ये तो हम सारे महत्वपूर्ण क्वेश्चनों को कवर करेंगे इस वीडियो में। दोस्तों वीडियो में शुरू से ही और एंड तक वॉच करना, जिससे कि आपके सारे जो क्वेश्चन है महत्वपूर्ण आप उनको कैरी कर सके। दोस्तों चलिए, चौधरी एजुकेशन में एक बार फिर से स्वागत है आपका। हम आपके लिए जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन लेकर आए हैं, जो सभी एग्जामों की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। दोस्तों लाइक और शेयर करना ना भूलें। दोस्तों शुरू से ही लाइक और शेयर करते हैं दोस्तों, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा अभ्यर्थी हैं जो लाभार्थित हो सकें। चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। आपका जो पहला टॉपिक है वो क्या है दोस्तों? विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO 30 जनवरी कोरोना वायरस से संबंधित जो ये वैश्विक आपातकालीन की घोषणा करती थी। दोस्तों जैसा कि आपको पता होगा, इस प्रकोप के बारे में अधिक जानकारी प्राप्त करने के लिए संशोधित ये जाँचें चल रही हैं। दोस्तों चलिए, पहले तो आपका टॉपिक रखता है मैंने कोरोना वायरस रखा है, इसे काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन मैं आपके लिए लेकर आया हूँ। तो चलिए दोस्तों, यहाँ पर कोरोना वायरस क्या है? तो इसमें पहला ऑप्शन है, यह एक वायरस का बड़ा परिवार जैसा है। दूसरा ऑप्शन है, एक नोडल वायरस के परिवार संबंधित है, या फिर सी, ए और बी दोनों सही हैं, या केवल डी ये सही है। तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों, इसमें आपका राइट आंसर सी हो जाएगा। इसमें जो आपके ए और बी सही हैं, क्योंकि ये परिवार एक बड़ा परिवार जैसा है, एक नोडल वायरस से संबंधित रखता है। दोस्तों चलिए थोड़ी सी व्याख्या कर लेते हैं। इसकी जो व्याख्या है दोस्तों क्या है? कोरोना वायरस वायरस एक बड़ा परिवार जैसा है, जिसे नोडल वायरस वायरस या नोडल वायरस और से संबंधित है। जैसे कोरोना बिराइड कहते हैं, जैसे रोनिना वायरस परिवार से संबंधित रखता है। काफ़ी जीवाणु हैं दोस्तों इनके नाम हैं ये। तो चलिए आपका अगला क्वेश्चन है, आपका जो अगला क्वेश्चन सेकंड क्वेश्चन है, 11 फरवरी 2020 को विश्व स्वास्थ्य संगठन ने दोस्तों इसकी जो इस बीमारी का नया नाम रखा था कोरोना वायरस का, वो क्या था? सीधा ही पढ़ लेते हैं आपके लिए। इसका नाम रखा था दोस्तों, आपका राइट आंसर ये हो जाएगा। इसमें आपका जो COVID-19 का नया नाम, आधिकारिक नाम रखा था। दोस्तों थोड़ी सी व्याख्या देख लेते हैं इसकी, क्या व्याख्या है? तो चलिए दोस्तों, इस व्याख्या में WHO ने इस बीमारी का नया नाम दिया है दोस्तों, जो COVID-19 है। अगला क्वेश्चन दोस्तों, नोवल कोरोना वायरस से पहले मामले की जांच कहाँ हुई? जो इसका जो पहला बीमारी जो व्यक्ति था, उसकी पहली जांच कहाँ कराई गई? तो दोस्तों इसका राइट आंसर आपका सी हो जाएगा, वुहान। वुहान में इसकी जो पहली जाँच कराई कोरोना वायरस की। थोड़ी सी व्याख्या कर लेते हैं दोस्तों, नोवेल कोरोना वायरस के पहले जो मामले की जांच की गई थी, वो चीन के वुहान में की गई थी। अगला क्वेश्चन दोस्तों आपका चौथा क्वेश्चन, कोरोना वायरस निम्न में से किस बीमारी से संबंधित है? जो कोरोना वायरस है निम्न में से किस बीमारी से संबंधित है दोस्तों? तो इसका आपके राइट आंसर सी हो जाएगा आपका। इसमें जो ए और बी दोनों, ये इसके जो बीमारी से जीवाणु जनित जीवाणु हैं, इसके जो दोनों ये कारक हैं, जो दोनों बीमारियाँ होती हैं इस कोरोना वायरस से, आप ध्यान रख लेना। थोड़ी सी व्याख्या कर लें दोस्तों, व्याख्या में जैसी गंभीर बीमारियों के लिए सामान्य सर्दी इत्यादि कोरोना वायरस के वायरस हो सकता है, जो जैसे सर्दी है जो कोरोना वायरस जैसा हो सकता है दोस्तों। वायरस के बारे में रोचक तथ्य हैं दोस्तों, हम बताएंगे इसके बारे में। पांचवा क्वेश्चन है दोस्तों, आपको नोवेल कोरोना वायरस के कुछ हल्के लक्षण क्या होते हैं? जो कोरोना वायरस के जो हल्के लक्षण होते हैं दोस्तों, वो बुखार, खांसी, सांस की तकलीफ। तो दोस्तों आपके राइट आंसर इसमें डी हो जाएगा, ये सभी लक्षण हैं जो कोरोना वायरस के हैं दोस्तों। थोड़ी सी व्याख्या कर लेते हैं दोस्तों इसकी, कोरोना वायरस से जो बुखार, खांसी और जैसे सांस की तकलीफ हल्के लक्षणों के साथ, कोरोना वायरस का जो 19 NCOV से संबंधित है दोस्तों, संक्रमित रोगियों लोगों के लिए कुछ अन्य सामान्य लक्षणों की वह, जैसे नाक, सर्दी, जुकाम, गले में दर्द जैसे इत्यादि हैं, जो इनमें जो खसरा आदि शामिल हो जाता है। तो ये इसके लक्षण है दोस्तों। अगला क्वेश्चन है दोस्तों आपको, छठा क्वेश्चन है दोस्तों, कोरोना वायरस का नाम कहाँ से पड़ा? कोरोना वायरस का नाम है दोस्तों, वो आपको कहाँ से पड़ा? तो दोस्तों कोरोना वायरस का नाम है दोस्तों, आपका राइट आंसर इसमें ये हो जाएगा, इसमें द क्राउन लाइक प्रोजेक्ट जैसे अनुमानों से लगाया गया है कोरोना वायरस का जो नाम। व्याख्या दोस्तों, कोरोना वायरस लाइक प्रोजेक्ट जैसे अनुमानों के कारण कोरोना वायरस को नाम दिया गया, इलेक्ट्रॉनिक माइक्रोस्कोप के जरिए देखे जाने वाले वायरस को क्राउन जैसा दिखता है। इसके हम एक फ़ोटो भी अवेलेबल करा देंगे आपके लिए बाद में। तो जैसे इलेक्ट्रन कोरोना का अर्थ होता है हेलो, इलेक्ट्रन कोरोना का अर्थ जो दोस्तों क्या होता है,
आपको हेलो होता है, हेलो या फिर क्राउन होता है। अगला क्वेश्चन दोस्तों आपका सातवां क्वेश्चन है दोस्तों आपका, सातवां क्वेश्चन, कोरोना वायरस से बचने के लिए कौन सी सावधानियां बरतनी पड़ती हैं। तो कोरोना वायरस से बचने के लिए दोस्तों कौन सी सावधानियां बरतनी पड़ेंगी आपको, तो इसमें आपका राइट आंसर ये हो जाएगा, इसमें छींक आने पर अपनी नाक और मुंह ढक लेना चाहिए दोस्तों, यही है क्योंकि ये एक वायरस जनित रोग है, तो इसीलिए ये वायरस से फैलता है दोस्तों, तो हमें यही सावधानी रखनी है, या हमारे किसी आसपास हो तो हम छींकने या फिर नाक भाग हम किसी मोढ़े पर स्कोप लगा के रखें दोस्तों। चलिए इसकी व्याख्या कर लें, थोड़ी सी WHO के अनुसार व्यक्ति को टूथ या कोहनी के माध्यम से छींकते हुए नाक और मुंह को कवर कर लेना चाहिए, जिससे कि हमारे में जीवाणु हैं जिससे हमारे शरीर के अंदर प्रवेश ना कर सकें दोस्तों। आशा करता हूँ कि आपको ये उत्तर कोरोना वायरस के बारे में पर्याप्त जानकारी मिल चुकी होगी दोस्तों। तो अब अगली बात करते हैं आपके लिए जम्मू कश्मीर जो विवाद है, उसके ऊपर हम आपके लिए बात करते हैं दोस्तों, काफ़ी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों। और आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को जरूर लाइक जरूर कर दिए दोस्तों, क्योंकि आप लाइक करते हैं ना खुद मोटिवेट होते हैं, आपके लिए बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन लेके आते हैं। और साथ ही साथ दोस्तों इस चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया अभी, इसे रेड बटन को सब्सक्राइब कर दें दोस्तों, और साथ ही बेल आइकन को भी हिट कर दें, जिससे कि आपको और जैसे काफ़ी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको वो मैं कवर करा दूंगा दोस्तों। तो चलिए वीडियो को शेयर भी कर दीजिए, ये बात तो दोस्तों अपने साथियों में शेयर कर दीजिए, जिससे ज़्यादा अभ्यर्थी लाभार्थित हो सकें दोस्तों। तो चलिए दोस्तों पहला क्वेश्चन है आपके, निम्न में से अनुच्छेद 370 का संबंध किस प्रदेश से है। जो 370 धारा है इसका संबंध किस क्षेत्र से है, तो ऑप्शन देख लीजिए आप। इसका जो राइट आंसर है दोस्तों जम्मू कश्मीर से हो जाएगा, क्योंकि 370 धारा है जो जम्मू कश्मीर में लगाई गई थी दोस्तों। सेकेंड क्वेश्चन, जम्मू कश्मीर के भारत में विलय होने की घोषणा कब की गई थी दोस्तों। दोस्तों इसका जो राइट आंसर आपको होगा कि 8 अक्टूबर 1947 को ये जम्मू कश्मीर जो भारत में विलय हुआ था, राइट आंसर ये हो जाएगा आपका दोस्तों। व्याख्या कर लेते हैं थोड़ी सी इसकी, जो व्याख्या हम 26 अक्टूबर 1947 जम्मू कश्मीर के राजा हरी सिंह ने जवाहरलाल नेहरू के साथ कश्मीर के भारत में विलय पर हस्ताक्षर किए थे दोस्तों। तो दोस्तों यहाँ पर भी ऑप्शन आपके क्वेश्चन बन सकता है दोस्तों, जो कि भारत में जम्मू कश्मीर विलय होने से पहले पूर्व के राजा कौन थे, तो दोस्तों हरी सिंह थे, और जो इसके विलय होने पर इनके जो संधि करने या जो कह सकते हैं कि हस्ताक्षर करने वहाँ पर कौन गए, तो जवाहरलाल नेहरू गए थे। तो यूँ भी क्वेश्चन बन सकता है दोस्तों आपके, जो जम्मू कश्मीर के भारत में विलय होने पर किसके हस्ताक्षर किए, तो राजा हरी सिंह के हस्ताक्षर किए थे दोस्तों। तो साथ साथ इनको भी व्याख्याओं को भी ध्यान रखते चलिए दोस्तों। अगला क्वेश्चन दोस्तों, निम्न में कौन सा कथन सत्य नहीं है। दोस्तों निम्न में कौन सा कथन है जो आपका सत्य नहीं है दोस्तों, जिसका जो राइट आंसर आपका सी हो जाएगा दोस्तों। इसमें आपका भारत के राष्ट्रपति को जम्मू कश्मीर संबंधित वित्त आपातकाल की जो घोषणा करने का अधिकार है, तो ये अधिकार नहीं है दोस्तों, ये भारत के राष्ट्रपति को जम्मू कश्मीर आपातकाल कर दे, तो यही अधिकार नहीं है दोस्तों। चौथा क्वेश्चन दोस्तों, निम्न में से किस राज्य को द्वैध शासन जो विधानमंडल नहीं है दोस्तों, तो ये आपका राइट आंसर डी हो जाएगा, इसमें पश्चिमी बंगाल का नहीं है दोस्तों। तो काफ़ी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, आशा कर रहा हूँ बहुत अच्छे लग रहे हैं क्वेश्चन आपको, तो शेयर भी कर दीजिए और साथ साथ सब्सक्राइब भी कर दीजिए दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया दोस्तों, और वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए दोस्तों, जैसे कि ज़्यादा विद्यार्थी इसको वीडियो को देख सकें, और शेयर भी कर देना सेक्शन को दोस्तों। पाँचवा क्वेश्चन, जम्मू कश्मीर विधानसभा में कितनी सीट है। जम्मू कश्मीर विधानसभा में दोस्तों आपकी जो 87 सीटें हैं कुल टोटल, थोड़ी सी व्याख्या देख लेते हैं दोस्तों। जम्मू कश्मीर विधानसभा में जनता द्वारा सीधे 111 सदस्य चुने जाते हैं, जिनमें से 24 पद जो पाकिस्तान के अधिकृत हैं कश्मीर के लिए रखे गए हैं, इसके लिए 87 केवल प्रदेश के लिए रखे गए हैं दोस्तों। छठा क्वेश्चन है दोस्तों आपको, जम्मू कश्मीर का राज्यपाल किसके द्वारा चुना जाता है। जो जम्मू कश्मीर का राज्यपाल है दोस्तों जम्मू कश्मीर का, वो आपके भारत के राष्ट्रपति द्वारा चुना जाता है, राइट आंसर ए हो जाएगा आपका इसमें दोस्तों। निम्न में से कौन सा कथन सही है, जो दोस्तों निम्न में कौन सा कथन है जो सही है दोस्तों, तो आपको राइट आंसर इसमें डी हो जाएगा, चुनाव आयोग जम्मू कश्मीर लागू किए जा सकते हैं दोस्तों, तो राइट आंसर आपका डी हो जाएगा दोस्तों।
आठवां क्वेश्चन दोस्तों, भारत सरकार ने इनमें से किस मुद्दे पर जम्मू कश्मीर के लिए कानून नहीं बना सकती? जो दोस्तों जो भारत सरकार है जम्मू कश्मीर किस मुद्दे के लिए जो जो कानून नहीं बना सकती दोस्तों, वो आपकी शिक्षा हो जाएगी। शिक्षा के लिए दोस्तों जो भारत सरकार है जम्मू कश्मीर पर कानून नहीं बना सकती दोस्तों। थोड़ी सी व्याख्या देख लें दोस्तों, जो शिक्षा मामले में कानून बनाने का अधिकार सिर्फ जम्मू कश्मीर की विधानसभा को ही होता है। नौवां क्वेश्चन है दोस्तों आपका, जम्मू कश्मीर के मामले में कौन सा कथन सत्य नहीं है? दोस्तों जो जम्मू कश्मीर के मामले में कौन सा कथन है जो दोस्तों सही नहीं है दोस्तों, तो देख सकते हैं आप यहाँ पर सही नहीं है। ध्यान रखना जम्मू कश्मीर मामले के लिए कौन सा कथन सही नहीं है, तो जम्मू कश्मीर मामले अपना राष्ट्र ध्वज है, अपना राष्ट्र ध्वज दोस्तों देखना है, जम्मू कश्मीर का अपना संविधान है, जम्मू कश्मीर का अपना उच्च न्यायालय है, तो इसमें कोई सा नहीं है दोस्तों जो इसे जो जम्मू कश्मीर के मामले से संबंधित ऐसा कोई भी नहीं है दोस्तों। और जो व्याख्या हम देखें तो ऑप्शन ए बी सी तीनों सत्य हैं दोस्तों, ये वैसे ऑप्शन में देखें तो वैसे ऑप्शन में नहीं आ जाए कोई नहीं तो दोस्तों आपको कोई नहीं करना है, और कोई नहीं की जगह और कुछ आए तो दोस्तों ये ऑप्शन के तीनों ये राइट आंसर आपके हो जाएंगे दोस्तों। उम्मीद करता हूँ वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी दोस्तों, तो चैनल को जरूर दोस्तों चौधरी एजुकेशन जरूर सब्सक्राइब कर दें और साथ साथ वीडियो को लाइक भी कर दें दोस्तों, जिससे कि बहुत अच्छा लगे हम, जिससे कि हम खुद मोटिवेट होते हैं। वीडियो शेयर जरूर कर देना दोस्तों, जैसे आपके फेसबुक व्हाट्सएप ग्रुप है वहीं पर भी इस वीडियो को शेयर जरूर कर देना। तो दोस्तों जय हिंद जय भारत, मिलते हैं आपको किसी नए टॉपिक पर एक बार फिर से। तो जय हिंद जय भारत।